हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपका पहला पेपर ही ऑडिटिंग का है, कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग का है और मैं कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग ही टीच कर रही हूँ एमकॉम को, तो इस वजह से क्या है कि जो आपके मतलब डेली जो है मेरा एफर्ट्स रहेगा कि मैं आपको ऑडिटिंग के अंदर जो है रेगुलर बेसिस पे क्या है कि आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं, जिसके अंदर क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैं आपको रिवीजन कराऊं। तो ये रिवीजन सीरीज़ ऑफ ऑडिटिंग के अंदर जो है, जिसके अंदर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर डिस्कस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके रिटन नोट जो है वो भी एक आधे दिन के अंदर जो है मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेंथी में भी आ सकता है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न एन ऑडिट। तो यहाँ पे हमने जो ऑडिटिंग है कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑडिटिंग है, यहाँ पे जो ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसका जो एटीट्यूड है वो अनबायस्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस्ड होना चाहिए, इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए। और उसका जो ऑडिट करता है तो उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो किसी के प्रेशर के अंदर जो है ऑडिटिंग ना करे, उसका अपना ओपिनियन जो है इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए। और जो ऑडिट के दौरान कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, डैट हैज़ टू बी कॉन्फिडेंशियल, वो उसने किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। और उसी तरह क्या है कि जो ऑडिटिंग है नेचुरली ये उस व्यक्ति के द्वारा कंडक्ट होना चाहिए जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑडिट है तो ये सीए के द्वारा होता है, जो सीए इन प्रैक्टिस होता है। तो शुड बी कंडक्टेड बाय द पर्सन हु हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और यहाँ पे क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है जो कि सीए इन प्रैक्टिस होता है, उसने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है, तो यहाँ पे जो है कि देखो, चाहे उसने अपनी टीम को जो है काम डेलीगेट किया होता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसकी होती है जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। और उसी तरह क्या है कि वो डॉक्यूमेंट जो है, जब तक वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है तो वो अपने पास जो है डॉक्यूमेंट को मेनटेन करें और ऑडिट प्लानिंग जो है प्रॉपर करें, जिसके अंदर वो जो क्लाइंट है उसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम है, पॉलिसीज हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, वो देखें कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव है या नहीं है, कितना वो उसके ऊपर रिलायंस जो है रिलाई कर सकता है, और ऑडिट प्रोसीजर के किस तरह उसने ऑडिट कंडक्ट करना है, किस तरह से जो उसकी टीम जो है डिफरेंट काम जो उसको डेलीगेट किया जाएगा तो किस तरह ऑडिट वर्क को वो कोऑर्डिनेट करेगा। और उसके पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए जो कि सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीजर के द्वारा जो है उसने ऑब्टेन किया हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल जो है कि नेचुरली वहाँ पे वो जिसके बेसिस पे वो अपना ऑडिट प्रोसीजर की नेचर क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, किस तरह के प्रोसीजर उसने अडॉप्ट करने हैं, और ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के बेसिस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिव्यू करता है, जिसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, तो उसके अंदर क्या है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत बनाई गई हैं और ये रेलिवेंट रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, और यहाँ पे प्रॉपर जो है सफिशिएंट डिस्क्लोजर जो कि सफिशिएंट मटीरियल सिग्निफिकेंट मैटर्स के अंदर किया गया है। और इसी तरह ये भी जो क्वेश्चन है, डैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, जो कि लॉन्ग में भी आ सकता है, चाहे ये छोटा क्वेश्चन ही है बट स्टिल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, देखो यहाँ पे एज पर स्टैंडर्ड ऑडिट 200 जो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। देखो ऑडिटर जो है ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, वो इसको मिनिमाइज कर सकता है। यहाँ पे पूरी अश्योरेंस नहीं दे सकता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे बिल्कुल भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई एरर नहीं हुआ, क्योंकि ऑडिट के अंदर भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसको वो मिनिमाइज जिसको वो रिड्यूस नहीं कर सकता। कई बार देखो जो उसका जो एविडेंस होता है वो परसुएसिव होता है क्योंकि कंक्लूसिव नहीं होता,
ऑडिटर जो है उसने रीजनेबल कंक्लूजन जो है ड्रॉ करना होता है। ऑडिटर को कई बार दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे एसेट की वैल्यूएशन है तो उसको वैल्यूअर का सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन करना पड़ता है, वो वैल्यूअर ने जो उसकी असेसमेंट लगाई है वो कितनी जस्टिफाइड है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो ऑडिटर अपना जो एविडेंस उसको मिलता है वो कंक्लूसिव होता है, वो परसुएसिव होता है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से जब वो एविडेंस ऑब्टेन करता है तो, और इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जजमेंट के बेसिस पे बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो देखता है कि जो एस्टीमेट यूज़ किए गए हैं वो रीज़नेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये रीज़नेबल, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे एस्टीमेट्स यूज़ किए गए हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए, तो यहाँ पे ये भी क्या है कि वो कंक्लूसिव नहीं होती। और उसी तरह क्या है कि ऑडिट प्रोसीजर जो होता है, देखो लिमिटेशन क्या है कि कई बार मैनेजमेंट और जो मैनेजमेंट के साथ टीम होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, जानबूझ के या अनइंटेंशनली प्रोवाइड नहीं करती। तो ऑडिट प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो ऑडिट एविडेंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते कि फ्रॉड की डिटेक्शन कर सकें। और कई बार क्या है कि देखो जो ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बैलेंस शीट जो है टाइम से होनी चाहिए, तो यूज़र की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जो रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर जो है रीज़नेबल कॉस्ट के ऊपर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको ऑडिट करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो टेस्ट चेकिंग करता है। टेस्ट चेकिंग का अर्थ होता है कि उसके अंदर वो कुछ जो मतलब पूरी ट्रांजेक्शन्स को वो चेक नहीं करता, कुछ सैम्पल लेके उसकी चेकिंग करता है, और जहाँ पर उसको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो दूसरों के ऊपर एफर्ट्स कम लगाता है। और उसी तरह जो दूसरे जो मैटर्स हैं जो ऑडिट के अंदर लिमिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, फ्रॉड जैसे सीनियर मैनेजमेंट और जो उनकी मिली भगत से कोई फ्रॉड हो तो वो भी ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सकता। और कई बार क्या होता है कि जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि लिमिटेशन होती है कि ऑडिट को प्रॉपर जो एविडेंस नहीं मिल पाता। और कई बार क्या होता है कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की वजह से भी क्या है कि वो ऑडिट की अपना ओपिनियन जो है रीज़नेबल एक्सप्रेस करता है। और कई बार क्या होता है कि फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि एंटिटी जो है वो अब गोइंग कंसर्न नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, डेट इज़ ऑल्सो ए वेरी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि सिलेबस के हेडिंग्स में भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग जो है डेट इज़ ए कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक पर्पज़ के तहत जो है इकट्ठा करते हैं जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। पर जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ये एनालिटिकल इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे हम एनालिटिक का मतलब होता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अकाउंटिंग जो होती है जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो बाउंड्री होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनका क्या रिजल्ट निकलता है। ऑडिटिंग जो होती है कि यहाँ पे जो ऑडिटर और उसका जो क्लाइंट है उसके बीच में क्या एग्रीमेंट है, जो क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर है तो यहाँ पे कंपनी एक्ट और अदर प्रोविजन भी जो होती है उसका स्कोप जो है डिफाइन करती हैं। और उसी तरह देखो जो अकाउंटिंग है उसके लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। ऑडिटिंग के अंदर क्या है कि क्वालिफाइड सीए होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का कि यहाँ पे हम ऑपरेटिंग रिजल्ट के हमें नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है और एक पर्टिकुलर डेट पे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे गिव ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर। और उसी तरह देखो जो रिपोर्टिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर कोई एनी रिपोर्ट नहीं सबमिट करनी होती, पर जब हम ऑडिटिंग करवाते हैं तो यहाँ पे ऑडिटर ने एक रिपोर्ट जो है करेक्टनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स जो उसने ऑडिट किए हैं कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। अकाउंटिंग जो होती है जब बुक कीपिंग जहाँ पे जर्नल बनता है, लेजर बनता है, उसके इमीडिएटली बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑडिटिंग वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पे अकाउंटेंसी ख़त्म होती है। तो अकाउंटिंग को जो है जो अकाउंटेंट रखा जाता है उसको मंथली सैलरी पे की जाती है।
ऑडिटिंग जो है जो क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होता है उसके तहत उसको दी जाती है। अकाउंटिंग के अंदर देखो जो ऑडिट टेक्निक्स की नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऑडिटर क्वालिफाइड सीए होना चाहिए, उसको अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिट टेक्निक एंड प्रोसीजर्स की एंड वेरियस लॉज की भी। अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, ऑडिटिंग जो होता है ये आउटसाइडर होता है जिसको कि अपॉइंट किया जाता है। अकाउंटिंग जो होती है थ्रू आउट द ईयर होती है, ऑडिटिंग जो होती है एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। और उसी तरह हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड द इन्वेस्टिगेशन। देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है आपके जो परसेंटेज है। तो इसी वजह से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ तो ये एक तरह से क्या है कि आपकी रिविज़न है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिट के अंदर जो है इंश्योर किया जाता है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है दे गिव ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड पर्पस होता है। तो यहाँ पे जो ऑडिट होती है यहाँ पे कंसर्न की अकाउंट्स तक होता है और यहाँ पे जो है मैटर के अंदर डीप डेप्थ के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन होती है। ऑडिट जो होता है कंपल्सरी होता है, इन्वेस्टिगेशन लीगली कंपल्सरी नहीं होता। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है, ये नॉट नेसेसरी के सीए के द्वारा किया जाए। ये वन पीरियड या के साथ रिलेटेड होता है, ये बहुत सारे ईयर जो है उसको कवर करता है। इन्वेस्टिगेशन वहाँ शुरू होती है जहाँ पे ऑडिट ख़त्म होती है और यहाँ पे डिटेल के अंदर जो है सब्सटेंटिव ऑडिट चाहिए होती है। ऑडिटिंग जो होती है जो एविडेंस मिलता है उसके बेसिस पे क्या होता है कि अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस किया जाता है। और उसी तरह हम देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। देखो जो इंटरनल ऑडिट होता है ये परमानेंट स्टाफ के द्वारा किया जाता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड एजेंसीज को भी हायर करती है, उनको कहती है कि इंटरनल ऑडिट करो। तो यहाँ पे जो ऑडिटर का स्कोप होता है वो मैनेजमेंट डिटरमिन करती है और वो मैनेजमेंट के नीचे कंट्रोल, मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल में होता है। और यहाँ पे जो पर्पस होता है कि कहीं पे भी कोई गलती या फ्रॉड होती है तो उसकी डिटेक्शन हो जाए और ये लगातार चलता रहता है। जब हम इंडिपेंडेंट ऑडिट की बात करते हैं या एक्सटर्नल ऑडिट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये एक क्वालिफाइड ऑडिटर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली उसको अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पे जो कंपनी एक्ट्स है और वेरियस लॉज हैं वो उसके स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिट किया जाता है उसके पीछे होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करें। और यहाँ पे जो सीए है उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑडिटिंग को कंडक्ट करने के लिए। और यहाँ पे इंटरनल ऑडिट जो है मैनेजमेंट को हेल्प और गाइड करती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का, ऑनर्स का, शेयर होल्डर्स का और अदर पार्टी का जो है इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। देखो कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है थ्रू आउट द ईयर जो है कंडक्ट किया जाता है, रेगुलर शॉर्ट इंटरवल पे किया जाता है। ऑडिटर जो है क्लाइंट को रेगुलरली विजिट करता है और हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करता है। कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है इसको डिटेल ऑडिट भी कहा जाता है, जहाँ पर ऑडिटर और उसका स्टाफ जो है कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि अकाउंट्स को चेक करते हैं पूरे साल। और यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे आता है या मतलब फ्रीक्वेंटली आता है। तो यहाँ पे इसका जो कंटिन्यूस ऑडिट होता है इसका ये पर्पस होता है कि यहाँ पे जो पीरियडिकल स्टेटमेंट जो होती है कई बार शॉर्ट इंटरवल के बाद जो है चाहिए होती है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट जो है काफ़ी यूजफुल होता है। जहाँ पे इंटरनल चेक जो है इफेक्टिव नहीं है तो वहाँ पे भी कंटिन्यूस ऑडिट जो है दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। और जहाँ पे बिजनेस जो है बहुत लार्ज स्केल पे है और बहुत सारी ट्रांजेक्शन चेक करनी होती है और यहाँ पे जैसे ही फिनेंशियल ईयर ख़त्म होता है इमीजिएटली बाद जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए होती हैं। तो जैसे बैंक्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फाइनल अकाउंट जो होते हैं फिनेंशियल ईयर के इमीजिएटली बाद जो है बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत सुटेबल होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूस एंड पीरियडिकल ऑडिट। देखो जो कंटिन्यूस ऑडिट जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, पीरियडिकल ऑडिट जो होता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो उसकी इमीजिएटली बात होता है। और उस तरह जो ऑडिटर स्टाफ है वो विज़िट करता है और अकाउंट्स को प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे चेक करता है। यहाँ पे वंस ए ईयर जैसे अकाउंट्स क्लोज होते हैं उसके बाद ये शुरू होता है। और यहाँ पे जो क्लाइंट का स्टाफ है वो एफिशिएंट हो जाता है, उनको पता होता है कि ऑडिटिंग होनी है, तो यहाँ पे उनको पता होता है कि ऑडिट वर्क जो है तब शुरू होगा
जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है कम्स टू एन एंड विद द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। पीरियडिकल ऑडिट जो होता है वो अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। और उसी तरह क्या होती है कि ट्रांजैक्शन जो होती हैं जैसे ख़त्म होती हैं तो ऑडिट स्टाफ जो है उनको चेक करता है, वेरीफाई करता है। कंटिन्यूस ऑडिट जो होता है वेरी एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एंड ऑफ द ईयर के अंदर जो ऑडिट स्टाफ है वो चेक करता है और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है।